नमस्कार दोस्तों, ये सवाल है दोस्तों, एक फीट में कितना डिसमिल, फुट टू डिसमिल। दोस्तों इसको पूरा वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों एक डिसमिल बराबर 40 वर्ग मीटर होता है। एक डिसमिल बराबर 40 वर्ग मीटर और एक डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट होता है। दोस्तों अब हम लोग इसको बदल करके देखेंगे, 40 वर्ग मीटर को आसानी से जानने का प्रयास करेंगे। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, इसको सब जानते हैं। एक मीटर बराबर, इसे भी जानते हैं, एक मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। एक वर्ग मीटर बराबर कितना फीट, इसको जानने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाइए। ये 3.28 फीट एक वर्ग मीटर है, 3.28 फीट और 3.28 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है। दोस्तों एक वर्ग मीटर का इतना फीट लंबाई चौड़ाई है, इसको लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, 3.28 गुणे 3.28, कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो बराबर हो जाता है 10.7584 स्क्वायर फीट होगा। दोस्तों एक मीटर बराबर इतना स्क्वायर फीट, 1 मीटर इज इक्वल टू 10.7584 स्क्वायर फीट इतना होता है। अब एक डिसमिल बराबर 40 वर्ग मीटर होता है, तो 40 गुणे 10.7584 कर दीजिए, गुणा करके देख लीजिए, बराबर आता है 430.336 स्क्वायर फीट इतना फीट होता है। दोस्तों यहाँ 430 और 435 जो लिखा हूं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, मीटर टू फुट कन्वर्ट करने से इस तरह का दशमलव त्रुटियां है, लेकिन स्टैंडर्ड जो जानते हैं वो 435.6 स्क्वायर फीट से ही जाना जाता है। एक फीट बराबर आप जानेंगे, एक फीट बराबर कितना डिसमिल, एक फीट बराबर कितना डिसमिल, इसको जानने के लिए 430.336 कर दीजिए, इस तरह से भाग करके देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए, भाग करके इसको भाग करेंगे तो 0.002323
सेवेन सिक्स फाइव सिक्स डिसमिल है दोस्तों, ये इतना डिसमिल, एक फुट बराबर इतना डिसमिल है, वन फीट, वन फीट इज इक्वल टू इतना डिसमिल। ठीक, और अब हम इसको इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको ये 430.336 × 0.002323 7656 को गुणा करके देख लीजिए, अब एक डिसमिल आना चाहिए, एक डिसमिल आता है दोस्तों, एक डिसमिल। इस तरह से आप जान सकते हैं दोस्तों, इजी तरीका से। और अब हम यदि इससे निकालना चाहेंगे 435.6 से, तो एक फीट, एक फीट बराबर कितना डिसमिल जानने के लिए 1/435.6 कर दीजिए, पहले भाग करके देख लीजिए, 0.002295684 1 ये डिसमिल है दोस्तों, एक फीट का इतना डिसमिल है, इतना डिसमिल। अब आप इसको जांच करके देख लीजिए, 435.6 धन 435.6 बराबर 871.2 होता है, इतना स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट होता है, ये 2 डिसमिल का है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 2 आना चाहिए, 871.2 × 0.002295841 इतना है दोस्तों, इसके बराबर आ जाता है, ये 2 डिसमिल आता है दोस्तों, 2 डिसमिल। गुणा करके भाग करके देख लीजिए, इस तरह से इसको जो है, चाहे जितना भी फुट हो, 10,000 फुट का निकालना है, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, तो इसको मल्टीपल करके डिसमिल निकल आएगा, इससे गुणा कर देंगे, 0.002295841 से, तो 10,000 स्क्वायर फीट का डिसमिल में निकल आएगा दोस्तों। इस तरह से कीजिएगा, ये स्टैंडर्ड है, इससे जो है मीटर टू फुट कन्वर्ट करेंगे तो इससे कीजिएगा, और ये डिसमिल ओरिजिनल जिससे जाना जाता है, तो इससे आप जितना भी स्क्वायर फीट रहे तो इससे गुणा करके निकाल लीजिएगा दोस्तों, इजी तरीका से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।